नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। आज परिणाम आए हैं और अभी तक के जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें आप मतलब 1 लाख से करीब पीछे दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी 8 दौर हुए हैं और अभी लगभग 10 दौर बाकी हैं मतगणना के। अभी निश्चित तौर से हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पराजय हुई है। कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मतदान होता है और अभी हमने आस छोड़ी नहीं है, अभी भी आस हमारी अंत तक जीवित रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मैं ईवीएम को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ईवीएम मशीन आप भी जानते हो, आप लोगों के पास भी सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैं। ये सवेरे से आप 100% चार्ज करके निकलते हैं तो घर जाते शाम को तो कहीं ना कहीं ये डिस्चार्ज की स्थिति में आ जाते हैं, 10-12% की स्थिति में आ जाते हैं, परसेंटेज बैटरी डिस्चार्ज। मशीनों ने 11 घंटे मतदान करने के पश्चात हमने मशीनों को देखा, उसमें कहीं 70%, कहीं 68%, कहीं 72% मशीनों का हमने नोट किया पश्चात मतदान के, और वो इतना परसेंटेज पाई गई। और आज मतगणना के समय पर 90%, 92%, 88% बैटरियाँ उसकी चार्ज पाई गई है। ये एक बहुत बड़ा साजिश का विषय है और इस विषय में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से बैटरी चार्ज की शिकायत मैंने मतगणना के पूर्व में भी कलेक्टर महोदय को लिखा दी गई थी और मतगणना होते समय पर भी हमने ये शिकायत लिखाई है कि ये 90% बैटरी किस प्रकार से चार्ज निकल रही है। मध्य प्रदेश के नतीजों को लेकर क्या कहेंगे? 29 की 29 सीटों पर जो अभी रुझान आए उसमें सभी 29 सीटों पर पीछे चल रहे हैं। देखो, ये मैंने जो बात बताई आपको मशीनों का चार्ज का सिस्टम, ये जो 90% चार्ज आज निकल रही है, पूरे मध्य प्रदेश में 90% चार्जिंग निकल रही है। और जहाँ 90% चार्जिंग निकल रही है वहाँ से कांग्रेस हार रही है। जहाँ से कम परसेंटेज वाली बैटरी जो 68% 65% मतदान अगर रहा है उसमें कांग्रेस जीत रही है। ये बहुत बड़ा निर्वाचन अधिकारी का सोचती विषय है कि उन्होंने सोचना चाहिए। अगर इस भारत देश में संविधान और अपने कानून व्यवस्था को लागू सही करने के लिए निर्वाचन अधिकारी जो निष्पक्ष निर्वाचन आयोग ने कराना चाहिए उसके लिए ये निर्वाचन आयोग को महत्वपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम निष्पक्ष चुनाव करा सकें। 400 बनाने की तो हवा निकलती दिख रही है, क्या कहेंगे? इंडिया लाइंस बहुत अच्छा कर रहा है, कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं अभी तक के रुझान। हाँ बिल्कुल, क्या कहेंगे इसको? ये भी कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा है। मैं आपको बताऊँगा शाम को, आप इंटरव्यू लेना, कहीं कहीं ये भी एक साजिश का हिस्सा है। मतलब आपको लगता है स्ट्रेटेजिकल है पूरा ही? यस, ये सब दिखाना और आखिरी में फिर खेल कर लेना। मेरे को तो ऐसे ही लगता है। खैर, वो अब 400 नहीं लाएंगे लेकिन अपना बहुमत सिद्ध कहीं ना कहीं करने की स्थिति में आ जाएगी।